Now we will understand bubble sort algorithm. In the previous lecture we have studied insertion sort algorithm. There we have studied the procedure of insertion sort. Then we have designed the algorithm based on the procedure used, and finally we have calculated the complexity. Here also we are taking another example of bubble sort. With the help of this algorithm we will learn how to calculate complexity of an algorithm. So here we will start the procedure of bubble sort by taking an example. So let us take an example. Here we are taking the values 5 4 3 2 1. Now see here, number of values that we are taking is n equal to 5, and these values are stored in the array. So here we can start with the A0 index or A1 index from anywhere, because we are not specific to any programming language right now. अगर हम C use करते हैं तो वहाँ index इसकी 0 से start करना compulsory होता है, बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम 0 से इंडेक्स स्टार्ट करें या 1 से इंडेक्स स्टार्ट कर सकते हैं. तो मान लिया हम A1 से यहाँ पे इसकी इंडेक्स स्टार्ट करते हैं. A2, A3, दीज एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अरे, दैट इज मेमोरी लोकेशन, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन A5. Now here we have taken the example in which numbers are sorted in reverse order, and we want to sort these number in ascending order, but here the numbers are in descending order. So for this we will compare the consecutive elements. जैसे कि हम यहाँ से यहाँ पे 5 और 4 को compare करेंगे. AI इसका मीनिंग ये है कि अगर ये वाला नंबर अगले वाले नंबर से बड़ा है तो हम इनको स्वैप कर देंगे, क्योंकि अगर ये नंबर बड़ा है तो स्वैप करने से ये नंबर आगे चला जाएगा. तो इसलिए हमें ये कंडीशन लगानी है कि इफ़ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस 1, अगर कोई नंबर अगले वाले नंबर से बड़ा है, then we have to swap ai and a of i plus 1 in consecutive number. को हमें swap करना है, बस simple सा bubble sorting का ये procedure है. तो a1 is greater than a2, so we will swap this. तो ये 4 हो गया, 5 हो गया, और इसके बाद 3, 2, 1 को ऐसे ही लिख लेंगे. now we will swap, we will compare a2 with a3. is A2 greater than A3, हाँ ये बड़ा है, तो इसको हम फिर से स्वैप कर देंगे. तो 4, 3, 5, 2, 1 हो गया. फर्दर हम 5 और 2 को कंपेयर करेंगे तो ये हुआ 4, 3, 2, 5, 1, और इसके बाद हम 5 और 1 को कंपेयर करेंगे तो ये भी स्वैप हो जाएंगे. तो 4, 3, 2, 1, 5. तो हमें इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में स्वैप करना है अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी कि पहले वाला नंबर अगले वाले नंबर से बड़ा है तो हमें इनको स्वैप करना है, क्योंकि बड़े नंबर को आगे ले जाना है. सो नाउ हियर टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पास. पास 1 मीन्स हमने यहाँ पे एक राउंड एल्गोरिथम का, एक पास एल्गोरिथम का कंप्लीट कर लिया है. And after completion of each pass, one element will get its final position. Will get final position. अब ये यहाँ से change नहीं होगा, इसकी ये sorted position आ गई, fixed position आ गई. और पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी चीज ये है कि number of elements after each pass will be reduced by 1. In the list of array that we want to sort. तो number of element will be
reduced by 1 in the array in which we want to perform sorting. तो अब हमारे पास नेक्स्ट पास के लिए जो अरे बनी वो 4, 3, 2, 1 की बन गई. इसमें हम 4 और 3 को कंपेयर करेंगे तो ये 3 और 4, 4 बड़ा है तो ये हो गया 2, 1 और 5 की एज इट इज फाइनल पोजीशन बनी रहेगी. इसको हमने सर्कल भी कर दिया है इंडिकेट करने के लिए. 4 और 2 को कंपेयर करेंगे तो 3, 2, 4, 1 हो गया. फिर हम 4 और 1 को कंपेयर करेंगे तो 3, 2, 1 और 4 हो गया. तो ये यहाँ पे हमारा सेकेंड पास कंप्लीट हो गया और जो 5 एलिमेंट फाइनल पोजीशन पे अरे पे पड़ा हुआ था वो वहीं पे अपनी लोकेशन पे स्टोर रहेगा. तो नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड पास 2. यहाँ पे दूसरा पास कंप्लीट हो गया है. अब आप देख सकते हैं कि सेकेंड पास में नंबर ऑफ कंपेरिजन, फर्स्ट पास में देखें अगर नंबर ऑफ कंपेरिजन 1, 2, 3, 4 कंपेरिजन हमने लिए. नंबर ऑफ एलिमेंट 5 थे, फर्स्ट पास में 4 कंपेरिजन लिए. सेकेंड पास के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट 4 थे तो नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने हुए, 1, 2, 3, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे एक कम कंपेरिजन लगेगा. और फिर से वही बात कि नंबर ऑफ एलिमेंट आफ्टर ईच पास विल बी रिड्यूस्ड बाई 1. तो अब हमारी अरे जो सॉर्ट करने के लिए है, दिस इज द अरे टू बी सॉर्टेड आफ्टर पास 2. पास 2 के बाद हमें इस अरे को सॉर्टिंग करनी है. तो फिर से हम कंपेयर करेंगे 2 और 3 और 2 को. तो ये हमारा 2, 3, 1 4 और 5 एज इट इज लिखा रहेगा, यानी ये अपने मेमोरी लोकेशन पे स्टोर रहेगा. और फिर इसके बाद हम 3 और 1 को कंपेयर करेंगे तो ये हो गया हमारा 2, 1, 3 4 और 5 एज इट इज रहेगा. इसको सर्कल कर दिया. और इसके बाद पास 2 के बाद ये एलिमेंट 3 जो है कि फाइनल पोजीशन हो जाएगी. तो हियर वी हैव कंप्लीटेड पास 3. इसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 बचे हैं लिस्ट में सॉर्ट करने के लिए. तो इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो 2 और 1 को कंपेयर करेंगे, यही एलिमेंट हैं, इन्हीं को कंपेयर करना है. तो हमारे पास केवल एक ही कंपेरिजन लगेगा, यानी 2 इज ग्रेटर देन 1, यस. तो हम इसको स्वैप कर देंगे तो ये 1, 2 की फाइनल पोजिशन हो गई. 3, 4 और 5 की फाइनल पोजिशन ऑलरेडी मिल चुकी थी तो ये एज इट इज स्टोर रहेंगे. तो ये हमारा अब नंबर ऑफ एलिमेंट लिस्ट में जो बचा आफ्टर दिस इज व्हाट, दिस इज पास 4. दिस इज पास 4. तो पास 4 के बाद जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो बचा लिस्ट में वो 1 है. और एंड वी ऑलरेडी नो दैट 1 एलिमेंट इज ट्रिवियली सॉर्टेड. मीनिंग इज दैट वी डोंट नीड टू सॉर्ट इट. एक एलिमेंट की बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग होती है, इसको हमें सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं है. तो ये तो हुआ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का प्रोसीजर. तो इस प्रोसीजर से क्या कंक्लूजन्स निकल के आते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो नंबर ऑफ पासेज जो वर्स्ट केस में, क्योंकि हमने वर्स्ट केस यहाँ पे ऑलरेडी लेके चले हैं, तो नंबर ऑफ पासेज इन वर्स्ट केस विल बी 4, यानी n माइनस 1. तो नंबर ऑफ पासेज जो होंगे वो क्या होंगे, n माइनस 1 पासेज होंगे इफ देर आर n एलिमेंट्स. और दूसरी बात यह है कि हर एक पास के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट विल बी रिड्यूस्ड बाय 1. और दूसरी एक चीज ये है कि हर एक पास के बाद एक एलिमेंट की सॉर्टेड पोजीशन मिल जाएगी. और इस एल्गोरिथम को हम बबल सॉर्टिंग इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एक एलिमेंट जो है इस लिस्ट में आगे की तरफ स्लोली मूव करता है, जैसे कि वाटर में बबल स्लोली स्लोली मूव करता है. उसी तरह से जैसे 5 आगे आया, फिर 5 और आगे आ गया, फिर और आगे आ गया और फाइनली 5 को फाइनल पोजीशन मिल गई. दैट्स व्हाई दिस एल्गोरिथम इज कॉल्ड बबल सॉर्ट, बिकॉज इट इज रिजेंबलिंग बबल इन द वाटर. तो जो हमने ये एल्गोरिथम पढ़ी है हम एग्जैक्टली इसी एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए स्टेप्स में लिखेंगे, यानी कि हम इसकी एल्गोरिथम को लिखेंगे. इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वी विल राइट द एल्गोरिथम. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द एल्गोरिथम.
हमारे पास सबसे पहले जो है एक लूप लगाना पड़ेगा जो कि नंबर ऑफ पासेज को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू वन टू व्हाट नंबर ऑफ पासेज कितने होंगे, इफ वी आर हैविंग एन एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ पासेज विल बी एन माइनस वन। तो इसका मतलब ये जो लूप चलेगा वो एन माइनस वन तक चलेगा। अब फिर से आप देख सकते हैं कि हर एक पास के अंदर हमें कंपेरिजन करना है एलिमेंट्स का। तो अभी तो यहाँ तो फाइव एलिमेंट्स हैं, अगर मान लिया 1000 एलिमेंट होते तो इसमें ये नंबर ऑफ कंपेरिजन्स बहुत ज़्यादा होते, तो 999 कंपेरिजन्स होते। तो इसका मतलब हम इसको सिंपली नहीं कर सकते, इसके लिए भी हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो सेकेंड लूप हम फिर से यूज करेंगे और वो लूप किस लिए होगा, पास के अंदर जो हम एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं उन एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए दूसरा लूप हम लगाएंगे। तो हम सेकेंड लूप इस पहले वाले लूप के अंदर है, तो फॉर एक अलग वेरिएबल मान लेते हैं जे इक्वल टू वन टू फॉट वन टू। अभी हमें देखना है कि हमें यहाँ पे क्या लिखना है, जे एक वाला जो लूप है वो कहाँ तक चलेगा। तो अगर मान लिया एन की वैल्यू 5 है तो पहला लूप जो हमारा चलेगा 1 से लेके 4 तक चलेगा। तो अभी हमें आई इक्वल टू 1 के लिए जो लूप लगाना है, तो A1 का एक्चुअली हमें इसके अंदर क्या कंपेरिजन करना है, AJ का AJ प्लस 1 के साथ कंपेरिजन करना है। यानी ये लाइन हम अभी यहाँ पर लिखेंगे, इफ AJ इज ग्रेटर देन AJ प्लस 1 देन वी हैव टू स्वैप। यानी T इक्वल टू, ये जो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखेंगे इंडेंटेशन को फॉलो करते हुए इफ के थोड़ा आगे से लिखेंगे, T इक्वल टू AJ, AJ इक्वल टू AJ प्लस 1 एंड AJ प्लस 1 इक्वल टू टी। तो अब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि लूप हमारा कितनी बार चलना चाहिए। तो देखिए J की वैल्यू 1 होगी तो A1 का A2 से कंपेरिजन हो जाएगा, इसके बाद J की वैल्यू जब 2 होगी तो A2 का A3 के साथ, J की वैल्यू 3 होगी तो A3 का A4 के साथ, और J की वैल्यू 4 होगी तो A4 का A5 के साथ कंपेरिजन हो जाएगा। यानी J की वैल्यू फर्स्ट पास में मैक्सिमम कितनी पहुंचनी चाहिए, 4 तक पहुंचनी चाहिए। तो हम यहाँ पे N माइनस I तक लूप चला देंगे, N माइनस I तक। देखिए कैसे I की वैल्यू, ये I हमने कैपिटल ले रखा है, तो N माइनस I, तो n की वैल्यू है हमारी कितनी 5, तो 5 माइनस आई इक्वल टू 1 के लिए लूप चलेगा 4 तक। यानी j की मैक्सिमम वैल्यू हमारी कहाँ तक जाएगी, 4 तक। तो जब j की मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी तो A4 का A5 एलिमेंट के साथ कंपेरिजन यहाँ पे हो जाएगा, यानी वी विल बी एबल टू कंपेयर लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस अरे। तो ये हमारी एल्गोरिथम हो गई है, यहाँ पे सॉर्टिंग हो जाएगी। और फाइनली हमें करना क्या है, यहाँ पे जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे दोनों, देन वी हैव टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अरे ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ए इज द अरे। तो जैसा हमने पिछले केस में देखा कि नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी, तो एल्गोरिथम तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें ये देखना है कि एल्गोरिथम हमारी करेक्ट है या नहीं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे, एफिशिएंसी। यानी इसके लिए पहले हम लाइन नंबर डाल देंगे 1 2 3 4, दिस इज लाइन नंबर 5, दिस इज लाइन नंबर 6 एंड दिस इज लाइन नंबर 7, दैट इज कमेंट। तो ये हमारी एल्गोरिथम कंप्लीट हो गई, नाउ वी विल कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी। तो जैसा हमने इंसर्शन सॉर्ट में किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है। और हमें फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है, फर्स्ट कॉलम में हमें लिखना है
कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट, कॉस्ट लिखनी है, और सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटिंग, यानी हमें ये देखना है कि पूरे एल्गोरिथम के रनिंग के ड्यूरेशन में ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा। तो ये आई इक्वल टू वन से एन माइनस वन तक लूप चल रहा है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइम्स दिस कंपेरिजन और दिस एक्सप्रेशन विल बी एग्जीक्यूटेड कितना होगा, एन होगा, क्योंकि लास्ट एल्गोरिथम में हमने समझा था कि एक फाल्स के लिए चलता है, यानी वन से लेके एन माइनस वन तक तो चलेगा ही चलेगा, यहाँ तक ट्रू वैल्यूज होंगी, और इसके बाद आई की वैल्यू एन के लिए जब लूप चलेगा तब ये कंडीशन फाल्स होगी और लूप से कंट्रोल बाहर आएगा। तो इसलिए ये एन टाइम चलेगा, लेकिन उसके पहले हम इनकी कॉस्ट मान लेते हैं। इसकी कॉस्ट सी वन है, इसकी कॉस्ट सी टू है, इसकी कॉस्ट सी थ्री है, रनिंग कॉस्ट या एग्जीक्यूशन कॉस्ट सी फोर है, सी फाइव है, और ये सी सिक्स है, और क्योंकि ये कमेंट स्टेटमेंट है इसलिए इसकी कॉस्ट जीरो हो गई। कमेंट स्टेटमेंट को हम कंसीडर नहीं करते, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट को, क्योंकि इनपुट स्टेटमेंट जो इनपुट होता है वो यूजर पे डिपेंडेंट होता है, तो यूजर इनपुट कितनी टाइम में देगा ये हमें नहीं पता होता है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी अफेक्ट करेगी। इसी तरह से जो आउटपुट डिवाइसेज होती हैं वो स्लो होती हैं, दे टेक मोर टाइम, सो वी डू नॉट कंसीडर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट इन कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन। तो ये वाला हमारा एन टाइम्स लूप चल गया। अब हमें ये देखना है कि ये जो फॉर इनर फॉर लूप है ये कितनी बार चलेगा। तो जब कितनी बार चलेगा यानी कि पूरे एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में कितनी बार ये स्टेटमेंट रन होगा, हमें ये निकालना है। तो जब ये आई इक्वल टू वन के लिए लूप चल रहा होगा तो जे इक्वल टू वन से एन माइनस वन तक चलेगा, यानी आई इक्वल टू वन के लिए ये जो लूप हमारा चल रहा है एन माइनस वन टाइम चलेगा। आई इक्वल टू टू के लिए जब लूप चलेगा तो एन माइनस टू टाइम चलेगा, सिमिलरली आई इक्वल टू थ्री के लिए, और आई इक्वल टू एन माइनस वन के लिए आई की जगह एन माइनस वन पुट करेंगे तो एन माइनस एन प्लस वन हो जाएगा, इसका मतलब प्लस अप टू सो वन ये टू के लिए चलेगा और लास्ट में वन के लिए चलेगा। तो ये जो कंपेरिजन कंडीशन है हमारी, जे इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस आई, अगर हम सी में लिखें तो यही लूप होगा। तो सी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इस स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करेंगे आई इक्वल टू वन से आई इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस आई और आई प्लस प्लस, तो इस तरह से हम इस लूप को सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एन माइनस आई तक तो चलेगा और साथ साथ उससे एक ज़्यादा तक चलेगा, तो ये टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो हमारा ये लूप चल रहा है वो हमें देखना है कितनी बार चलेगा। तो आई इक्वल टू वन के लिए वन से एन माइनस वन आया एन माइनस वन, बट इसमें एक फाल्स वाली कंडीशन भी जुड़ जाएगी तो ये एन माइनस वन से एक ज़्यादा चलेगा, तो इसका मतलब ये हमारा एन टाइम्स चलेगा और फिर ये एन माइनस वन टाइम्स चलेगा और फिर इस तरह से ये टू और ये वन टाइम्स चलेगा। तो अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे सिग्मा के फॉर्मेट में। इसे देखिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप n माइनस वन कर देते हैं या n कर देते हैं तो इससे ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लार्ज इनपुट साइज के लिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जहाँ मिलियंस ऑफ कंपैरिजन हो रहे हैं तो वहाँ पे एक दो कंपैरिजन अगर छूट जाता है तो उससे ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरह से हमारा ये लूप जो इक्वेशन बनी n n माइनस वन एन माइनस टू और ये वन, ये अभी हम एक बार फिर से समझ लेंगे अगर कोई डाउट होगा, तो वैसे तो ये क्लियर है। तो इसको हम सिग्मा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सिग्मा i इक्वल टू वन टू n एंड t ऑफ i। फिर टी आई क्या है, पिछले एल्गोरिथम में भी हमने देखा था टी आई इज नंबर ऑफ टाइम्स कंडीशन या
एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटिंग। तो देखिए यहां पे एक बार फिर से समझ सकते हैं आप, तो i इक्वल टू 1 के लिए 1 से लेके n माइनस 1 में ये स्टेटमेंट बनेगा। तो n माइनस 1 में अगर ये स्टेटमेंट बनेगा तो ये टोटल कितनी टाइम चलेगा, n टाइम्स, जैसे हमने देखा। इसी तरह से i इक्वल टू 2 के लिए n माइनस 2 तक ये बनेगा स्टेटमेंट, 1 से n माइनस 2, तो फाल्स को भी इंक्लूड करते हुए ये n माइनस 1 टाइम्स चलेगा। तो ये भी बात सही हो गई। इसी तरह जब हम i की वैल्यू n माइनस 1 लेते हैं तो यहाँ n माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 से लेके 1 तक ये चलेगा 2 टाइम्स, और इसके बाद फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये आप यहाँ पे इस तरह से i इक्वल टू 2 से भी लूप चला सकते हैं, 2 से ज़्यादा बेटर हो गई। नाउ दिस इज एग्जैक्ट कैलकुलेशन। तो अभी हमने देखा भी था कि अगर एक कंपेरिजन छूट जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिलहाल ये 2 तक चलेगा, दिस इज करेक्ट। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि इस फॉर लूप के अंदर के जो स्टेटमेंट हैं वो कितनी बार चलेंगे। तो जितनी बार ये फॉर लूप चलेगा उससे एक कम तक अंदर वाले स्टेटमेंट चलेंगे। तो ये इफ वाला जो स्टेटमेंट चलेगा सिग्मा आई इक्वल टू 2 से, इसको रिवर्स ऑर्डर में हमने लिख लिया है बजाय कि सीधा लिखने के, आप इसे सीधा भी लिख सकते हैं लाइक दिस, सिग्मा आई इक्वल टू एन से 2 तक, और टी ऑफ आई भी लिख सकते हैं। तो ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, फाइनली ये एक्सप्रेशन हमारा कन्वर्ट होके आना चाहिए। तो ये हो गया टी आई माइनस 1, और इसके बाद ये जो कंडीशन है ये कितनी बार चलेगी। तो ये कंडीशन हम अगर ये मानते हैं कि ये एलिमेंट यानी इफ की कंडीशन अगर हमेशा ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट उतनी बार चलेंगे। तो इसका मतलब हर एक केस में ये भी एग्जीक्यूशन का टाइम जो होगा ये यहाँ एन आएगा, आई इक्वल टू 2 से एन तक टी ऑफ आई माइनस 1, और यहाँ भी सिग्मा आई इक्वल टू 2 से एन तक टी ऑफ आई माइनस 1, और यहाँ पे भी हमारा सिग्मा आई इक्वल टू 2 से एन और टी ऑफ आई माइनस 1 तक चलेगा। और ये जीरो है फिर भी हम देख सकते हैं कि ये फॉर लूप से बाहर है तो ये वैसे जीरो टाइम्स ही चलेगा, जीरो टाइम्स चलेगा। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्सिटी हर एक स्टेटमेंट का जो नंबर ऑफ टाइम्स रनिंग है वो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की इक्वेशन लिखेंगे, तो टी ऑफ एन विल बी सी वन इंटू एन प्लस सी टू इंटू सिग्मा आई इक्वल टू 2 टू एन टी ऑफ आई प्लस सी थ्री इंटू सिग्मा आई इक्वल टू 2 टू एन टी ऑफ आई माइनस 1, और ये हमारा जो है 3 टाइम्स है, सिग्मा आई इक्वल टू 2 टू एन, हियर सी फोर इज देयर, सी फोर इंटू टी आई माइनस 1 एंड देन प्लस सी 5 इंटू सिग्मा आई इक्वल टू 2 टू एन एंड दिस विल बी टी आई माइनस 1 देन सी 6 इंटू सिग्मा आई इक्वल टू 2 टू एन अगेन हियर टी आई माइनस 1। तो ये नंबर ऑफ टाइम्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और मल्टीप्लाइड बाई एग्जीक्यूशन कॉस्ट, तो ये हो गया। तो अब हमें करना क्या है, सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सी वन इंटू एन प्लस सी टू इंटू, ये जो है इसको एक्सपेंड कर देंगे तो दिस विल बिकम 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एन। सिमिलरली सी थ्री को एक्सपेंड करेंगे तो दिस विल बिकम टी आई, आई की वैल्यू 2 है यानी नंबर ऑफ टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा, तो टी आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम में 2 हो गई, तो 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, और लास्ट में आई की वैल्यू जब एन होगी तो एन माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे एन माइनस 1,
और यही चीज हमारी सी फोर के लिए भी हो जाएगी। सी फोर वन प्लस टू प्लस थ्री से लेके एन माइनस वन तक, और सी फाइव और सी सिक्स के लिए भी यही हो जाएगा, वन प्लस टू प्लस एन माइनस वन प्लस सी सिक्स इंटू वन प्लस टू प्लस एन माइनस वन। अब हम ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, इसको हमें पता है कि 1 से लेके n तक की वैल्यूज का सम का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, तो इसलिए हम इसमें 1 प्लस 1 प्लस 1 और माइनस 1 यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये हमारी इक्वेशन भी बन जाएगी पूरी, ये सीरीज भी बन जाएगी पूरी, और ये माइनस 1 एक्स्ट्रा इसमें बचेगा। तो ये हमारा बन गया फर्दर सी वन इंटू एन प्लस सी टू इंटू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वन। देन हियर सी थ्री विल बिकम एन माइनस वन टर्म्स हैं इसमें, तो एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये सी थ्री के लिए हो गया। और सी फोर के लिए भी हो जाएगा सी फोर एन माइनस वन इंटू एन डिवाइडेड बाई टू। सिमिलरली सी फाइव के लिए भी एन इन माइनस वन इंटू एन डिवाइडेड बाई टू हो गया। और सी सिक्स के लिए इसको थ्री टाइम्स करके भी लिख सकते हैं, सिक्स इंटू एन माइनस वन इंटू एन डिवाइडेड बाई टू। तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस विल बिकम सी वन इंटू एन प्लस सी टू इंटू एन स्क्वायर बाई टू प्लस एन बाई टू माइनस वन। दिस विल बिकम सी थ्री इंटू एन स्क्वायर बाई टू माइनस एन बाई टू। और ये सी फाइव के लिए भी हमारा ये बन जाएगा प्लस सी फाइव इंटू एन स्क्वायर बाई टू माइनस एन बाई टू। सी थ्री सी फोर के लिए, सी फोर के लिए बन गया, और सी फाइव के लिए भी सी फाइव इंटू एन स्क्वायर बाई टू माइनस एन बाई टू। एंड देन सी सिक्स इंटू एन स्क्वायर बाई टू माइनस एन बाई टू। अब हमें इसको एन की पावर के ऑर्डर में इन टर्म्स को अरेंज करना है। पहले हम एन स्क्वायर के टर्म्स को अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद एन के टर्म्स को अरेंज करेंगे, और फाइनली कांस्टेंट टर्म्स को अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम सी टू, ये टी ऑफ एन विल बी सी टू बाई टू प्लस सी थ्री बाई टू प्लस सी फोर बाई टू प्लस सी फाइव बाई टू प्लस सी सिक्स बाई टू एंड होल मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर के टर्म हमने अलग कर लिए, इसके बाद हमें एन के टर्म्स अलग करने हैं। तो एन में आ जाएगा सी वन प्लस सी टू बाई टू, हियर इट विल बी माइनस सी थ्री बाई माइनस सी थ्री, ये यहाँ पे हमारा एन आएगा या एन स्क्वायर आएगा। सी थ्री का टर्म हम यहाँ पे देख लेते हैं, दिस विल बी बाई टू, तो ये यहाँ पे सी थ्री बाई टू। और इसी तरह से माइनस सी फोर बाई टू, सी फोर बाई टू, एंड अगेन हियर सी फाइव बाई टू माइनस सी फाइव बाई टू माइनस सी सिक्स बाई टू। अब हम देखते हैं कि कोई कांस्टेंट का टर्म आ रहा है क्या, तो इसमें से नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक सी टू का कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो ये प्लस एंड माइनस ऑफ सी टू, ये कांस्टेंट टर्म हो गए। तो नाउ दिस इक्वेशन इज, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय एन, क्योंकि ये एन का टर्म है। तो दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू ए एन स्क्वायर
प्लस बी एन प्लस सी। तो ये हमारी टी एन की इक्वेशन हो गई। अब हम इसका मैक्सिमम रनिंग टाइम देखेंगे। मैक्सिमम रनिंग टाइम जो एल्गोरिथम का होता है, यानी कि हम सबसे पहले इसका वर्स्ट केस रनिंग टाइम देख लेते हैं। तो वर्स्ट केस रनिंग टाइम जो होता है ऑफ एनी एल्गोरिथम इज अपर बाउंड ऑफ अपर बाउंड ऑन द रनिंग टाइम फॉर एनी इनपुट। दिस इज अपर बाउंड ऑन रनिंग टाइम फॉर एनी इनपुट। तो अपर बाउंड रनिंग टाइम का मीनिंग यह है कि एल्गोरिथम इससे ज्यादा टाइम कभी भी नहीं लेगा। हमेशा जो एल्गोरिथम का रनिंग टाइम होगा वर्स्ट केस में इतना है, इससे कम ही टाइम आएगा। तो इसको हम थीटा के फॉर्मेट में डिनोट कर सकते हैं, थीटा ऑफ एन स्क्वायर। तो टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर। तो इसका हमारा वर्स्ट केस में रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। अब हम इसकी बेस्ट केस में रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेस्ट केस में भी रनिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेस्ट केस में रनिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें यह देखना है कि एल्गोरिथम पे हम अगेन जाएंगे। तो बेस्ट केस के लिए हमारे पास जो वैल्यूज हैं दे आर ऑलरेडी इन सॉर्टेड ऑर्डर, से 1, 2, 3, 4, 5। दीज वैल्यूज आर ऑलवेज इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो ये लूप तो हमारा चलेगा ही चलेगा, ये लूप भी चलेगा, बट जो स्टेटमेंट नहीं चलेंगे वो ये वाले स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। जैसे ए जे इज ग्रेटर देन ए जे प्लस वन, ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब ये इफ की जो कंडीशन है वो हमेशा फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इफ के अंदर के तीनों स्टेटमेंट नहीं चलेंगे बेस्ट केस में, बाकी हमारे सारे के सारे स्टेटमेंट चलेंगे और पूरा रन होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस्ट केस के लिए हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है टी एन के कंप्यूट करने हैं, वही इसकी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो इसके लिए हम जो टी एन की हमने इक्वेशन लिखी थी हम दोबारा भी लिख सकते हैं। टी एन विल बी सी वन इंटू एन प्लस सी टू इंटू सिग्मा आई इक्वल टू 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 एन, देन टी ऑफ आई, देन सी थ्री इंटू सिग्मा आई इक्वल टू 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 एन एंड टी आई माइनस वन। रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल बिकम जीरो, क्योंकि वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। तो ये इसकी बेस्ट केस रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और इसको हम अगर सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो ये बना सी वन इंटू एन प्लस सी टू इंटू, दिस विल बिकम टू प्लस थ्री प्लस एन, एंड दिस विल बिकम सी थ्री इंटू वन प्लस टू प्लस अप टू एन माइनस वन। तो ये सिंपल सी इक्वेशन है, सी वन इंटू एन प्लस सी टू इंटू प्लस वन और माइनस वन हमने यहाँ पे किया, प्लस वन और माइनस वन, तो ये हमारी एक सीरीज भी कंप्लीट हो गई। तो ये हुआ एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एंड दिस इज माइनस वन, एंड दिस विल बी सी थ्री इंटू एन माइनस वन इंटू एन डिवाइडेड बाई टू। नाउ वी कैन राइट इट डायरेक्टली, सी वन या फिर हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं एक बार, सी वन इंटू एन प्लस सी टू इंटू एन स्क्वायर बाई टू प्लस एन बाई टू माइनस वन, एंड दिस विल बिकम सी थ्री इंटू एन स्क्वायर बाई टू माइनस एन बाई टू। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सेग्रीगेट दीज टर्म्स इन द ऑर्डर ऑफ एन। तो पहले हम एन स्क्वायर का ले लेते हैं, तो सी टू प्लस सी थ्री, सी टू बाई टू प्लस सी थ्री बाई टू इंटू मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर, देन एन का टर्म सेग्रीगेट करते हैं तो सी वन प्लस दिस विल बिकम सी टू बाई टू एंड सी थ्री, एन का टर्म यहाँ से निकल के आएगा तो माइनस सी थ्री बाई टू और ये एन हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हमारा सी थ्री हो गया।
ये हो गया। अब हमें कांस्टेंट टर्म लिखना है, तो कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ माइनस ऑफ सी टू हो गया। तो ये इक्वेशन अगेन हमारी जो है ए ऑफ एन स्क्वायर प्लस बी इंटू एन प्लस सी, वेयर ए बी सी एंड दीज आर कांस्टेंट टर्म। तो अगर हम इसका अगेन बेस्ट केस रनिंग टाइम देखें, तो ये मैक्सिमम जो डिग्री का लीडिंग टर्म होता है उसे लेते हैं। और ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि इफ़ एन इज वेरी लार्ज, एन की वैल्यू सपोज 10 लैक्स है, तो अगर आप 10 लैक्स का स्क्वायर करेंगे और उसमें फिर 10 लैक्स ऐड करेंगे, तो ये जो 10 लैक्स एडिशन का टर्म है दैट विल बी इररिलेवेंट। तो इसलिए हमें क्या कंसीडर करना है, केवल एन स्क्वायर का टर्म ही कंसीडर करना है। तो वर्स्ट केस विल बिकम थीटा ऑफ एन स्क्वायर, तो टी ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर। और इससे हमें ये समझ में आया कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो वर्स्ट केस और बेस्ट केस दोनों में ही एन स्क्वायर होती है, जबकि इंसर्शन सॉर्ट के केस में हमने देखा था, ये हम यहाँ पे समराइज भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने बबल सॉर्ट लिख दिया, बबल सॉर्ट, और यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट लिख देते हैं। तो एक तरफ तो हम लिख देते हैं बेस्ट केस, यहाँ पे बेस्ट केस, और यहाँ पे हम वर्स्ट केस। अभी एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी हमने नहीं कैलकुलेट किया, आगे फर्दर हम किसी एल्गोरिथम में एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो बबल सॉर्ट की दोनों केस में थीटा ऑफ एन स्क्वायर आ रही है, और यहाँ भी थीटा ऑफ एन स्क्वायर आ रही है, और इंसर्शन सॉर्ट की बेस्ट केस में थीटा ऑफ लॉग एन, थीटा ऑफ एन लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, और वर्स्ट केस में थीटा ऑफ एन स्क्वायर आएगी। तो ये बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट में डिफरेंस है, और इंसर्शन सॉर्ट ऑलवेज गिव्स बेटर एफिशिएंसी व्हेन इनपुट साइज इज लेस।